हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीसीआर टेस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पे आया है, जो कि मैं आज को इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और इसी के साथ साथ आज का जो कोविड अपडेट है, यहां पे एक छोटा सा गुड न्यूज़ भी है कोविड अपडेट को लेकर, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो का लास्ट में शेयर कर लूंगा। ओके, तो वीडियो को काइंडली पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके दे, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, कहीं से भी अगर आप लोग दोहा आते हैं तो हम लोग को पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरत है कि नहीं, अगर है तो कितना घंटा पहले हम लोग को जरूरत है। तो दो दिन पहले मैं एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने कहा था कि कतर एयरवेज में और इंडिगो में यहां पे साफ साफ कह दिया गया है कि अभी पीसीआर टेस्ट का जरूरत नहीं है, आप लोग अगर कैरी करते हैं तो अच्छा है, अगर कैरी नहीं भी करते तो यहां पे दोहा पे आने के बाद एयरपोर्ट में आप लोगों को पीसीआर टेस्ट कर लिया जाएगा। मगर यहां पे इस रूल के ऊपर फिर से एक नया अपडेट आया है। जैसे कि मैं आप लोगों को कहा हूं कि अभी का जो कतर का सिचुएशन है या तो फिर दूसरे मुल्क का भी जो सिचुएशन है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इस टाइम जो रूल अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आप लोग आज देख रहे हैं तो कल को भी सेम रूल है। ओके, तो काइंडली मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं जो आज को ये वीडियो बना रहा हूं, अगर ये वीडियो आप लोग 3-4 दिन 5 दिन बाद देखते हैं तो काइंडली उस टाइम का लेटेस्ट अपडेट को देख के ही आप लोग डिसीजन ले, ओल्ड वीडियो देख के आप लोग डिसीजन ना ले। ओके, तो यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ कतर से अनाउंस किया गया है कि जितने भी फ्लाइट 25 अप्रैल के बाद से जितने भी ट्रेवलर उस फ्लाइट से इंडिया से कतर में आएंगे, उन सारे ट्रेवलर को अपने साथ पीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट कैरी करना मैंडेटरी है। और ये नॉट ओनली इंडिया से आने वाले पैसेंजर के लिए, ये सारे कंट्री से, जो भी अलग अलग कंट्री से आप लोग कतर में आना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को पीसीआर नेगेटिव टेस्ट कैरी करना मैंडेटरी है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये जो टेस्ट है ये 72 आवर्स का अंदर का होना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि रिपोर्ट 72 आवर्स का अंदर होना चाहिए या तो फिर जो सैंपल कलेक्शन का टाइम है वो 72 आवर्स का पहले होना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सैंपल कलेक्शन होता है वो 72 आवर्स का अंदर का होना चाहिए, रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट तो 72 आवर्स का अंदर ही होगा या तो फिर एक घंटा का पहले मिलेगा तो भी चलेगा, मगर जो सैंपल कलेक्शन है वो 72 आवर्स का अंदर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो ट्वीट भी दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीन में वो ट्वीट देख सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहता हूँ कि ये जो रूल है इसमें अपडेट आते रहता है, तो कतर के बारे में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, जो जो नया अपडेट आता है यहाँ पे मैं आप लोगों को देते रहता हूँ। और यहाँ पे मेरा और एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हम लोगों का पास अपडेट आने से पहले एयरलाइंस का पास अपडेट पहुंच जाता है, तो काइंडली अगर आप लोग अपना मुल्क से अभी कतर में फ्लाइट कर रहे हैं तो एक बार अपना एयरलाइंस से जरूर कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि टोटल और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को कैरी करना मैंडेटरी है। मगर यहाँ पे पीसीआर टेस्ट को लेकर बहुत लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन था कि 48 आवर्स का अंदर लेके जाए कि नहीं लेके जाए, कि 72 आवर्स का अंदर लेके जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 72 आवर्स के अंदर का पीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट आप लोगों को कैरी करना मैंडेटरी है 25 अप्रैल के बाद से, जितने भी फ्लाइट अभी कतर में आ रहे हैं उन सारे फ्लाइट के ट्रेवलर्स के लिए। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को आज का डेट का जो कोविड अपडेट है उसके ऊपर जो मैंने कहा कि छोटा सा गुड न्यूज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। आज का डेट का मतलब 23 अप्रैल को टोटल 798 कोविड का पॉजिटिव केस यहाँ पे दर्ज किया गया है, जहां पे अगर हम लोग रिकवरी केस का तरफ देखे तो टोटल 1297 मतलब 1297 रिकवरी केस यहाँ पे दर्ज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा है पॉजिटिव केस आने का तुलना में, जो एक बहुत ही अच्छा संकेत है कतर के लिए। और यहाँ पे अगर मैं लास्ट 24 आवर्स का बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 6 डेथ केस यहाँ पे रजिस्टर किया गया है, और अभी तक टोटल 413 लोगों को इस कोविड की वजह से अपना जान गंवाना पड़ा। ओके, तो यही जो दो और लेटेस्ट बड़ा अपडेट आ रहा था कतर की तरफ से, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।